रविवार की रात को रायबरेली के डी थाना क्षेत्र के कचनवा गांव में हुए डबल मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लूटे गए हजारों रुपए के जेवरात बरामद करने के साथ ही आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। आरोपितों में से एक मृतक महिला का भांजा ही था जिसने लूट के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल जिले के डी थाना क्षेत्र के कचनवा गांव निवासी राधा सिंह और उनकी बहन की बेटी का शव उनके ही घर में सोमवार को मिला था। दोनों को गला रेत कर मौत के घाट उतारा गया था। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच पड़ताल की और सर्विलांस की मदद ली तो शक की सुई मृतक के भांजे अंकित की ओर घूम गई। उन्होंने उसे गिरफ्तार करने के लिए मुखबिरों का जाल बिछा दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अंकित को उसके तीन साथियों के साथ लालगंज से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से वारदात में इस्तेमाल दो बाइक, एक चाकू, जूते और कपड़े बरामद कर लिए। साथ ही घर से लूटे गए 44,000 रुपए और लाखों की कीमत के जेवरात भी बरामद कर लिए गए। अंकित ने बताया कि उसकी मामी के पास काफी रुपए और गहने थे। जब वो मांग करता था तो मामी उससे मना कर देती थी। इसी को लेकर उसने अपने साथियों के साथ योजना बनाई जिसमें उसने राज अंजनी और मोहम्मद रईस को अपने साथ मिला लिया। अंकित ने पहले मृतका के लड़के को फोन कर उससे उसकी लोकेशन पूछी। जब इत्मीनान हो गया कि वो शहर से बाहर है तो दो बाइकों पर सवार होकर वो अपने साथियों के साथ मृतका के घर पहुंचा और मृतका की बहन की बेटी जब दूसरे कमरे में चली गई तो उसने अपनी मामी का चाकू से गला रेत दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पहचाने जाने के डर से उसने अपनी मामी की बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद घर में मौजूद 44,000 रुपए की नकदी और जेवरात लेकर वो वहाँ से फरार हो गए। रास्ते में उन्होंने चाकू और कपड़े ठिकाने लगा दिए लेकिन पुलिस ने उनकी इस योजना का पर्दाफाश कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के संदर्भ में एसपी रायबरेली श्लोक कुमार ने जानकारी दी। वहीं के कचनावा गांव में एक महिला और उनकी भांजी की डेड बॉडी घर पे ही मिली थी। घटनास्थल पर पहुंचने के उपरांत वहाँ 6 टीमों का गठन किया गया था और कुछ फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए। इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई टीमों द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए जो वादी हैं उनके फुफेरे भाई को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि उसने पैसों के लालच में अपनी मामी और उनकी भांजी की हत्या की और घर से कुछ सामान वो वहाँ से ले गया था जो सभी के सभी बरामद कर लिया गया है। इनके पास से वो औजार जिससे कि इन्होंने ये घटना कारित की वो बरामद किया गया है। वो मोटरसाइकिल जिससे ये आए थे चार लोग वो बरामद किया गया है। घर से जो संपत्ति गायब थी वो इनके पास से बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अब तक की पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इनका उद्देश्य ये था कि इनकी आर्थिक तंगी थी और इनको पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए इन्होंने अपनी मामी को घटना का शिकार बनाया और उनके पास जो भी संपत्ति थी वो लूट के ले गए। सर, इनको कैसे पता था कि इतनी मोटी रकम इनके पास है? क्योंकि ये परिवार के ही थे तो इनको घर जानकारी थी कि क्या सामान बिक्री हुआ है, किस जमीन के लेन देन की बात चल रही है। और इसने इस बात का फ़ायदा उठाया कि मृतका का बेटा वो बाहर गया हुआ था, जनपद के बाहर, प्रदेश के बाहर गया हुआ था और उसने इसे फ़ोन कॉल करके उसका लोकेशन भी लिया। जब इसे मालूम चल गया कि वो घर पे नहीं है तब मौके का फायदा उठाते हुए इसने घर पे जाके ये घटना करी। सर, देखा जाए तो घटना स्थल जिस तरह बताया गया कपड़े अस्त व्यस्त मिले थे, कुछ और कोई घटना नहीं? ये प्योर मर्डर का केस है और इसमें इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि वो संपत्ति के लालच में ये घटना की गई और अन्य कोई और इसमें बात नहीं। और भी मतलब जो है कि आगे खड़ियां खुलने की संभावना है? देखिए, जो भी लोग इस घटना में थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बरामदगी इनसे कर ली गई है विवेचना के क्रम में और जो भी साक्ष्य आते हैं उनको सम्मिलित करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।